हाँ तो बच्चों, आज के एवेंजर सीरीज के प्रॉब्लम में हम लोग सी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नहीं, उस पे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको इस तरीके का एक नेटवर्क दिया गया है कैपेसिटर्स का, और इस कैपेसिटर के नेटवर्क में हर कैपेसिटेंस सी है, ठीक? यानी कि सारी वैल्यू किसकी है? सी की है। आपको बताना है ए और बी के बीच में, ए और बी लिखा है क्या इसमें? नहीं बोला गया। चलो, ए और बी के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है? तो तरीका वही, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को 3-4-5 मिनट अटेम्प्ट करो। हम थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, आप 5 मिनट अटेम्प्ट करो, 5 मिनट के बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। हम इसको बोलेंगे लेवल 2 के आसपास का, 2 से थोड़ा सा माइनस मान के चलते, ठीक है? तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, इस सोल्यूशन को समझते हैं कैसे ये सी इक्विवेलेंट आएगा। बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का जो तरीका होता है वो बड़ा सिंपल है, कि जब सीरीज ना हो, पैरेलल ना हो, नीट स्टोन ना हो, कहीं कोई लाइन ऑफ सिमेट्री भी ना दिख रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो अप्रोच होती है वो क्या होती है? अप्रोच बड़ी सिंपल है कि हमने यहां पे एक बैटरी लगा दी। बेटा लगा दे यहां पे बैटरी एक, जैसे ही आप ई बोल्ट की एक बैटरी लगाओगे, ठीक है, ई बोल्ट की बैटरी लगाते ही फिर देख लेंगे कि बैटरी से कितना चार्ज गया। तो ऐसी स्थिति में जो सी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वो हो जाता है या क्यू बैटरी, ठीक है, ऐसे देख लो बेटा, आपको क्यू इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू क्यू बैटरी इज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू ई। इस लाइन तक पहुंचना है कि बैटरी से जब इस जोड़ा गया था तो कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम C equivalent into E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये सीधा सा मतलब है कि आपने एक बैटरी लगाई और E वोल्ट की बैटरी है, जितना इन सारे कैपेसिटर ने मिलके खींचा है चार्ज, अगर उतना ये अकेले सूरमा खींच ले जाए तो हम इसको C equivalent कह देते थे। तो C equivalent जो है वो Q जो बैटरी से होके गया है वही C equivalent into E के बराबर, ठीक है? तो ये है इसका बेसिक फंडा। सॉल्व कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। सॉल्व इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक स्पेशल टाइप की सिमेट्री है, विच इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट सिमेट्री। ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या है थोड़ा सा जरा समझते हैं, जिन्हें पता होगा वो जानते होंगे, और नहीं जानते तो ऐसे समझिए बेटा कि यहां का पोटेंशियल अगर जीरो है, यहां का पोटेंशियल अगर ई है, तो क्या जितना ऐसे जाने पे चार्ज आ रहा है, यानी कि सर्किट में अगर आप ऐसे जाओगे, वैसी ही कुछ सिचुएशन इधर से आते समय भी मिल रही है, जैसी सिचुएशन इधर जाते वक्त मिल रही है बिल्कुल वैसी सिचुएशन इधर से आते वक्त भी मिल रही है, बिल्कुल जैसा इधर जाते वक्त है बिल्कुल उसका उल्टा आते वक्त है। तो जाते समय अगर चार्ज ऐसे जा रहा है और आते समय अगर चार्ज इसका उल्टा आए तो हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट टाइप की सिमेट्री है। और इनपुट आउटपुट चार्ज सिमेट्री में ऐसा है कि जितना चार्ज यहां से गया होगा उतनी चार्ज इधर से आया होगा, और जितना चार्ज यहां से गया होगा उतनी चार्ज एक्चुअली में, एक मिनट, इधर से आया होगा वो इधर से गया होगा, इधर से आया होगा वो इधर से गया होगा, वो इधर से आ गया होगा, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक। तो जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट का ऑपोजिट इधर जैसा है, यानी कि अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे अगर x होता बेटा, यानी कि यहां x का राइज होता तो यहां से जाते वक्त x का ड्रॉप हो जाता, क्योंकि चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस सेम आना चाहिए। सिमिलरली इसके और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए, वो कितना होगा? अगर हमने बोला इधर से आते वक्त अगर ये बाई हो रही है तो इसमें बाई का अगर गेन हुआ इधर जाते वक्त, तो यहां जाते वक्त बाई का ड्रॉप भी होगा, तो E माइनस बाई आ गया बेटा, यानी कि हमने हर जगह के पोटेंशियल लिख लिए, करेक्ट। अब हमारा टारगेट यह है कि हम इन पोटेंशियल को निकालें। तरीका बड़ा सरल है कि आप एक आइसोलेटेड जंक्शन बना लो और उस आइसोलेटेड जंक्शन पे टोटल चार्ज जो होगा क्या वो पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा। देखा जाए आइसोलेटेड जंक्शन क्या होते हैं, तो इस वाले एक्स वाले में अगर आप इतने हिस्से को देखो बेटा, तो
इन तीन प्लेट पे, यानी कि प्लेट नंबर वन, प्लेट नंबर टू, प्लेट नंबर थ्री, इन तीनों पे चार्ज का सम क्या कांस्टेंट रहने वाला है? इनफैक्ट जीरो होने वाला है, क्योंकि पहले भी जीरो था। यहां पे चार्ज कितना होगा एट एक्स सिग्मा क्यू आई इज इक्वल टू जीरो किया, तो एक्स वाले पे यहां पे चार्ज कितना आएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी डेल्टा वी। सी कितना है बेटा? सी डेल्टा वी कितना है बेटा इस वाली प्लेट पे? एक्स माइनस जीरो। इस वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा? सी एक्स माइनस वाई। तीसरी इस वाले पे कितना हो जाएगा? सी, और यहां से आया एक्स माइनस ई प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सी 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 तीनों तरफ से कैंसिल हो गया, वाई से ये प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और यहां एक दो तीन थ्री एक्स, और यहां से कितना आया बेटा? ई ई इधर चला जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? e बाई थ्री, करेक्ट। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। y मतलब इस वाले जंक्शन पे देखें, तो क्या ये एक आइसोलेटेड जंक्शन बन गया कि नहीं? और आइसोलेटेड जंक्शन पे टोटल चार्ज का सम जीरो होना है, तो एट बाई हमने लिखा सिग्मा क्यू आई इज इक्वल टू जीरो। इस पे भी टोटल चार्ज जीरो होगा। अगर चार्ज जीरो होगा तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा इसको देखते हैं बेटा, कलर बदल लेते हैं। इस वाली प्लेट पे कितना आएगा? इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट मस्ट बी बाई माइनस ई प्लस एक्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटू सी। भाई बाई माइनस ई प्लस एक्स इंटू सी करोगे तो इस वाली प्लेट का चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? प्लस सी इंटू बाई माइनस ई प्लस वाई। बोलो बेटा इस वाली प्लेट पे कितना होगा? बाई माइनस एक्स इंटू सी। अगली वाली प्लेट पे क्या होगा बेटा? सी बॉक्स के अंदर बाई माइनस ब्रैकेट के अंदर बाई माइनस जीरो और इक्वल टू जीरो कर दिया। सी 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 ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। ध्यान से देखो, यहां प्लस एक्स है, यहां माइनस एक्स है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनने एक दूसरे को कैंसिल किया, बाई जोड़ते हैं, एक दो तीन, नहीं दो और एक तीन चार पांच, फाइव बाई इज इक्वल टू टू ई, यानी कि बाई की वैल्यू आ गई 2e बाई 5। ये है x की वैल्यू, ये है बाई की वैल्यू। x और y अपने पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें इस वाली इक्वेशन को समझना है कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया बेटा, ठीक। तो अगर हमको ये मिल जाए कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, तो हम c इक्विवेलेंट इंटू ई करके फटाक से आंसर निकाल लेंगे कि नहीं? बोलो बेटा कैसे निकाला जाए बेटा? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोचना है। अगर आप सोचो तो जो भी चार्ज यहां से गया होगा Q बैटरी, क्या वो इस प्लेट पे यानी कि Q1 और इस प्लेट यानी कि Q2, इन्हीं दोनों पे चार्ज जो आया होगा या इस पे पहुंचा होगा या इस पे पहुंचा होगा बेटा, है ना। तो इधर पे आप देखो कि Q बैटरी को क्या लिखा जा सकता है। Q बैटरी कैन बी रिटन एज Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है बेटा? Q1 है E माइनस E प्लस X। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो X है, तो इधर पे C है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? X। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? C इंटू एक्स, और इसके क्रॉस कितना है बेटा? E माइनस E प्लस Y, C इंटू Y। ये आ गया Q बैटरी। Q बैटरी को क्या लिख सकते हो? C इक्विवेलेंट इंटू E, C इंटू X की वैल्यू बेटा वहां से उठा दो E बाई थ्री, बाई की वैल्यू यहां से उठा दो 2e बाई फाइव। सी सी नहीं, सी उस सी की कहानी नहीं, एक मिनट, सी नहीं एक्चुअली e कैंसिल होगा, ठीक है। इस जगह से e उड़ाया, इस जगह से e उड़ाया, इस जगह से e उड़ाया, यहां से कितना आया 3 इंटू टू सिक्स, और यहां कितना आया 5,
तो आंसर आया 11C/15, ये आ गया C equivalent। जिन जिनका ये आंसर आ गया हो बेटा, फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में ये आंसर करें कि हाँ सर हमारा भी आंसर ये आ गया, आंसर इज 11C/15। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा जो है सवाल लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, ठीक। और कोई अगर डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।